रायबरेली में शासन के मनसानुरूप जिला कारागार में बंदियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के माध्यम से बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया जागरूक। शिक्षा सहित रोजगार समेत कई मुद्दों पर केंद्रित रहा कार्यशाला। कार्यशाला के तहत मशरूम की खेती सहित 13 रोजगार के साधनों पर बंदियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया प्रोत्साहित। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्वरोजगार विकास संस्थान के द्वारा आयोजित की गई कार्यशाला। कार्यशाला में अपर जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनुपम शौर्य, LDM BOB जेलर हिमांशु रौतेला रहे मंच पर मौजूद। कार्यशाला में सैकड़ों बंदियों को किया प्रेरित। शहर कोतवाली के जिला कारागार का मामला। सर, आज जिला कारागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो क्या क्या बताया गया बंदियों? देखिए, आज 25 सितंबर 2024 को जिला कारागार में बंदियों की शिक्षा एवं व्यवसाय से संबंधित ये लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया गया। इस लीगल अवेयरनेस कैंप में ये कोशिश की गई है, पुनः एक बार फिर ये दूसरा लीगल अवेयरनेस कैंप है जहाँ पर इनको कैसे बंदियों को शिक्षा दी जा सकती है, मेन स्ट्रीम में कैसे शामिल किया जा सकता है और यहाँ से रिहा होने के बाद वो किस तरह से सोसाइटी में रहेंगे हम लोगों के साथ। तो एक ये प्रयास किया गया है। इस प्रयास में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, संजय श्रीवास्तव साहब, LDM साहब आए हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, और इंडियन बैंक भी इसमें शामिल है। बैंक के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करती हैं। व्यावसायिक शिक्षा बंदियों के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। आज ये सीख लेंगे। छोटी अवधि के कोर्सेज हैं, कोई 10 दिन का है, 13 दिन का है, कोई 30 दिन का है। ये इनके जीवन में बहुत काम आएंगे। एक छोटा सा प्रशिक्षण जो जीवन में काफ़ी अंतर ला सकता है। तो ये बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं सभी को, स्पेशली जेल को, इतना अच्छा कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा आज आयोजित किया गया। ठीक।